इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि अगर हम जैसे गेहूं पीस रहे हैं तो कितनी ग्रेन जानी चाहिए, मक्का पीस रहे तो कितनी ग्रेन जानी चाहिए, चना पीस रहे तो कितनी ग्रेन जानी चाहिए। इसको एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले तो ये हॉपर हटाते हैं। जब ये हॉपर हटाते हैं तो आप ये देखते हैं कि यहाँ पे जो है, इसमें ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है एक वो लगा हुआ है, एक नॉब टाइप, स्क्रू स्क्रू टाइप का है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो दिखाई देगा। इस स्क्रू को पेंच से, यदि आपको मोटा अनाज डालना है जैसे चना डालना है, ये करना है, तो इसको आप अंदर की तरफ ले जाएंगे। अब आप देखिए इसके अंदर एक स्क्रू दिखाई दे रहा होगा। अब इस स्क्रू को ना आप जैसे ये घुमाएंगे धीरे धीरे, ये अंदर की तरफ जाएगा। अगर आपको बड़ा अनाज डालना है तो आप अंदर की तरफ ले जाएंगे, और यदि आपको छोटा अनाज डालना है जैसे गेहूं डालना है, तो आप धीरे 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 ऊपर की तरफ ले आएंगे उसको। जैसे गेहूं हो गया, आपको चावल पीसना है, तो ये ऊपर की, जितना ऊपर रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा। ऊपर की तरफ तावल ले आइए, करके दिखाइए। ये देखिए ये ऊपर की तरफ हो गया। अब इसमें ग्रेन्स जो है कम जाएंगे। और अगर जैसे अनाज वो है, जैसे छोटा अनाज है, पतला अनाज है, और ग्रेन्स उसमें ज़्यादा जाएगी तो थोड़ी ताकत आपकी ज़्यादा लगेगी। इसलिए जब आपको लगेगी ताकत ज़्यादा लग रही है तो आप ग्रेन्स कम कर सकते हैं। दूसरी चीज जो है, हम आपको ये बताना इसकी सफाई कैसे होगी। सफाई के लिए देखिए यहाँ पे एक ब्लेड लगा हुआ है, आप ध्यान से देखिए, एक यहाँ पे इसके नीचे एक ब्लेड लगा, इसको निकाल लीजिए आप। इस तरह से ये निकल जाती है, निकल जाए तो फिर इसको आप जो है चला लीजिए। देखिए अब ये बैठ के ना इस पर चला दे रहे हैं, तो जितनी भी गंदगी है वो सब नीचे आ जाएगी। इसकी जगह आप एक पेपर लगा लीजिएगा तो सारी गंदगी जो है बड़े आसानी से ये नीचे की तरफ आ जाएगी। और इसको जो है लूज कर दीजिएगा, जब आप इसको सफाई करें तो इसको बिल्कुल लूज कर दीजिएगा, एकदम जितना खोल सकें खोल लीजिएगा। जिस जितने भी पॉट पे चीज़ें होंगी वो बड़े आसानी से नीचे आ जाएंगी और आपका चक्की बिल्कुल साफ हो जाएगा। साफ करने के बाद फिर आप इसको जो है इसी तरह से लगा लें, बंद कर दीजिए इसको जो है, ये इस तरह से ऐसे जाके जो है बिल्कुल सेट हो जाता है उसमें। अच्छा ठीक है। दूसरी चीज़ें कभी कभी, क्योंकि मैकेनिकल केमिकल चीज़ें हैं, तो शुरू शुरू में जैसे आप साइकिल लेते हैं तो साइकिल की चैन थोड़ी ढीली होती है, जब आप यूज करते हैं तो ये चैन ढीली हो जाती है। तो अगर ये चैन आप देख रहे हैं, अगर थोड़ी ढीली हो गई तो इसका भी एक ऑप्शन है। ये देखिए यहाँ पे ना दो नट लगे हुए हैं, हाथ हटाइए आप अपना, पहले इन दोनों नट देखें, ये दो नट लगे हुए हैं। अब नट में रिंच लगाइए, ये नट में ये रिंच जो है आपको दी गई है, इसको आप ढीला करिए। ये देखिए जैसे ये आसानी से ये ढीले हो जाते हैं, नीचे वाला भी ढीला करिए, ये आपने ढीला कर लिया। और ये जो पोर्शन है इसको आप ऊपर करके फिर टाइट कर दीजिए, आपकी चैन, ये छोटी चैन बड़े आसानी से टाइट हो गई। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, किसी मिस्त्री की जरूरत नहीं है, आप अपने से ही चैन को टाइट कर सकते हैं, छोटी चैन को। और इसी तरह जो है हमने बड़ी चैन को भी टाइट करने का अरेंजमेंट दिया हुआ। ये देखिए ये चैन जो है अब आपकी बिल्कुल टाइट हो गई। अब आप ये देखिए जो ढीली थी वो बिल्कुल टाइट हो गई। तो ऐसे बड़े आसानी से आप इसको टाइट कर सकते हैं। ये थी आपकी बड़ी चैन ढीली हो जाती है, ये जो बड़ी चैन है ये देख रहे हैं ना, ये जो बड़ी वाली चैन है, यदि ये किसी तरह से ढीली हो जाती है, इसको भी एडजस्टेबल हमने बनाया है। ये देखिए एक ब्लेड, ये पत्ती लगी हुई है इसमें पूरी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पत्ती, इसमें भी देखिए नॉब बना हुआ है बड़ा सा, ये नॉब है। अगर आपकी ये चैन ढीली हो जाती है तो इसको थोड़ा ढीला करके, और फिर उसके बाद जो है इसको थोड़ा पैर से ढकेल के, कैसे ढकेलते हैं देखिए, ये कैसे, ये थोड़ा पीछे ढकेल के और इसको जो है आसानी से टाइट कर दी तो चैन टाइट हो जाती है। ये देखिए कितनी आसानी से चैन टाइट हो गई। दूसरा ये है कि अगर कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा चैन ढीली होगी, आप टाइट नहीं कर पा रहे हैं वहां से, तो एक तरीका ये देखिए यहाँ पे भी स्लॉट्स बनाए गए हैं, ये यहाँ पे भी है और ये पीछे, ये आठ नट लगे हुए हैं, तो ये स्लॉट्स ढीला करके भी आप जो है थोड़ा सा इसको फ्रेम को पीछे करके, थोड़ा इसको पीछे की तरफ ढकेल के आप इसको बड़े आसानी से टाइट कर सकते हैं। इस तरह से जो है ये आपका बिल्कुल जो है आसानी से सारी चीजें एडजस्ट हो जाती हैं, क्योंकि इसमें सारी मैकेनिकल व्यवस्था है। तो कभी कभी क्या होता है, ये चलते चलते अगर कभी ये ढीला हो गया, इसमें थोड़ा थोड़ा अगर वो हो, जैसे ये तो बिल्कुल इसमें टाइट है, तो अगर किसी वजह से ढीला भी हो गया तो हम आपको यहाँ पे दिखा दें, यहाँ पे एक जो है हमने पेंच लगा रखा है और उसमें ये 5 नंबर की एलन की लगती है, बड़े आसानी से लग जाती है। तो अगर किसी वजह से ढीला हो गया तो बस आपको इसको टाइट कर देना है, आपका जो है ये बड़े आसानी से टाइट
टाइट हो जाएगा। तो आपको बीच बीच में इसको भी ध्यान देना है कि अगर कोई आवाज या घटघट की आवाज आ रही है तो आपको ये न होगी आपका ये फ्लाई व्हील ढीला हो गया। दूसरा जो है, कभी कभी अलाइनमेंट चैन की खराब हो जाती है, मैकेनिकल चीजें हैं तो जैसे साइकिलों में चैन उतरने लगता है इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसमें भी आप एलन की से देखिए, ये जो है एलन की से आप जो है इसको ढीला कर लीजिए और जहां पे आपको बिल्कुल सीधा स्ट्रेट दिखे, जैसे इस समय चेन आपको बिल्कुल स्ट्रेट दिख रही है वैसे आप सेट करके इसको टाइट कर दिए, उसी तरह ये दोनों चेन है टाइट हो जाएंगी। तो ये चैन उतरने की भी प्रॉब्लम आप अपने आप से बड़े आसानी से जो है इसको कर सकते हैं, किसी मैकेनिक की जरूरत नहीं है। एक और महत्वपूर्ण चीज है जो आपको याद रखना है, इसमें आप नारियल का या कड़ू का तेल आप इसमें डाल लें और हफ्ते में या 15 दिन में आप ये देखिए ये इस किनारे पे यहाँ पे आप जो है यहाँ पे 2 बूंद और एक इस तरफ जो है 2 बूंद डाल दें, जिससे आसानी से ये 2 बूंद इधर और 2 बूंद इधर, तो आसान ये जो इसमें कोई आवाज़ अगर से कर करके कोई आवाज़ आ रही है कुछ आ रही है तो आप इसमें डाल देंगे तो बड़े आपकी आसान चलेगी और कोई आवाज़ नहीं आएगी। इस तरह से जो भी चीज़ें हैं आपको इस मशीन के बारे में सारी जानकारी हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दिया। धन्यवाद।